नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको गहरे कुएं से बिल्ली को सकुशल बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो दिखा रहे हैं। यह बिल्ली आप देख रहे हैं गहरे कुएं में गिर पड़ी है। ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर गांव के एक कुएं में यह बिल्ली शनिवार की सुबह गिर गई थी। यह गहरा कुआं ऊपर से पटा हुआ था, फिर भी कुछ स्थान खुला होने के कारण यह बिल्ली इस कुएं में गिर पड़ी। गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो गांव वालों ने इस बारे में सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को बताया और फिर शुरू हुआ इस बिल्ली को गहरे से कुएं से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव के हजारों लोग चाहकर भी इस बिल्ली को गहरे कुएं से नहीं निकाल सके। मौके पर पीपल फॉर एनिमल संस्था के लोग आए। पीपल फॉर एनिमल संस्था की श्रीमती कावेरी और उनके वर्कर रमेश के प्रयास से 6 घंटे के बाद इस बिल्ली को सकुशल गहरे कुएं से निकाला गया। आप देख रहे हैं वीडियो में कितना गहरा कुआ है और बिल्ली सकुशल सुरक्षित बेपरवाह इस कुएं के तल में बैठी हुई है। शाम के समय लोगों ने इस बिल्ली के खाने के लिए रोटी और बिस्किट फेंक दिए थे, जिसके कारण यह बिल्ली भूख से नहीं मरी। इसके बाद अगले दिन होने पर लोगों के सहयोग से पीपल फॉर एनिमल संस्था के लोगों को मौके पर बुलाया गया और गहरे कुएं में पाइप डालकर पाइप के सहारे यह वर्कर रमेश उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रमेश के प्रयास के चलते इस बिल्ली के गले में डॉगी वाला फंदा डालकर और एक टोकरे में बिठाकर इस बिल्ली को 6 घंटे के प्रयास के बाद सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। आप देख रहे हैं कुएं में कूड़ा करकट है। हालांकि इस कुएं में कोई अन्य प्रकार का जानवर नहीं था, वरना बिल्ली को नुकसान हो सकता था। यह बिल्ली को गहरे कुएं से पाइप के सहारे वर्कर रमेश निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपने गहरे बोरवेल से बच्चों को निकालने और तालाब पोखर से जानवरों के निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन देखे होंगे, लेकिन यह बिल्ली का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।